स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए खुशखबरी है और वो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस वैकेंसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 7 मई से शुरू हो जाएगा, और सही मायनों में देखा जाए तो जिसकी आखिरी तिथि है वो 7 जून है, ठीक है ना। तो मई से जून के बीच में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, 7 से 7 के बीच में, ठीक है। इसमें अच्छी बात यह कि पोस्ट जो है बहुत बड़े नंबर में है, ठीक है ना। और जितनी जो पोस्ट देखने को हमें मिल रही है वो सिविल इंजीनियरिंग की है सारी की सारी, और 2847 पोस्ट है इसके अंदर, और वो भी सारी सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी, इस बीच काफी सारे नोटिफिकेशन में कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन यूपी सरकार ने ये गजब कर दिया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी होती है उसके अंदर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाते हैं, नंबर वन। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इसमें पीईटी जो टेस्ट है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपको देना पड़ता है, उसी के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप देखेंगे आगे चल के तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने आवेदन शुल्क 0 कर दिया है, यानी कि जनरल कैंडिडेट हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो चाहे एसटी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में स्टूडेंट लाइक करता है, आवेदन शुल्क नहीं है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है, यानी कि प्रोसेसिंग फी जो है, हर किसी से 25 रुपये ली जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखें तो जो फॉर्म है आप सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से भर सकते हैं, सबसे पहली बात ये है। और इसमें भरने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, uptsse.gov.in। मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। चलिए मैं नीचे करके दिखा दूंगा अभी। इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो वैकेंसी है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में क्लियरली मेंशन की गई है। जैसे कि लोक निर्माण विभाग के अंदर 1092 वैकेंसीज हैं, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंदर 765 हैं, ठीक है ना। जल निगम के अंदर 693 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। आपका जो राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड है उसके अंदर 146 हैं, फिर राज्य सेतु निगम लिमिटेड के अंदर 96, ठीक है ना। इस तरह से अगर आप सारे डिपार्टमेंट को देखें तो 2847 वैकेंसीज बैठ रहे हैं, जिसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 1324 वैकेंसीज हैं, और इस तरह से इन्होंने पूरा बायफर्गेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी कि अगर आपके पास बीटेक है लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप नहीं भर सकते, आपके पास डिप्लोमा होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब तक आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग नहीं है तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। तो कई बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर अगर मेरे पास सिर्फ बीटेक है तो मैं क्या भर सकता हूँ, नहीं भर सकते। डिप्लोमा है भर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ को मेंशन किया गया है, ठीक। तो और कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट में, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट को स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमने लगभग हर डिपार्टमेंट को देखने की कोशिश करी है, हर डिपार्टमेंट में यही दिया गया है कि आपके पास कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप भर सकते हैं। ये क्लियरली इसके अंदर दिया गया है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग देखिए, बाकी के नीचे यहाँ पर जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आप अनुसूचित जाति से आते हो, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना, तो जो भी प्रमाण पत्र हैं उनके फॉर्मेट भी दिए गए हैं, उस फॉर्मेट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन लूँगा जिसमें कि मैं आपकी जो भी कन्फ्यूजन होंगे उन सारे कन्फ्यूजन को इसलिए दूर करूँगा, ठीक है ना। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं बताऊं तो उसका नाम है शुभम अग्रवाल सर टेस्ट बुक, ठीक है। और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप से ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज वेल एज की रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। मैं कल ही आप लोगों के लिए इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी सॉल्व कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप आने वाले पेपर्स के लिए अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे।